मैं रेनू और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एडेनियम कितने अच्छे से खेला और इसकी कितनी अच्छी बर्ड्स है फ्रेंड। आज मैं मॉर्निंग में नहीं आई तो देखिए मेरे प्लांट बहुत बुरी तरह से सूख गए हैं फ्रेंड्स। हालांकि मैंने कल पानी दिया था फ्रेंड्स। अभी भी हमारे इलाहाबाद में बहुत तेज़ धूप हो रही है फ्रेंड्स। देखिए कैसे मुरझा से गए हैं सारी मेरी प्लांट्स। और ये हिबिस्किस देखिए तो बहुत ही अच्छे से अभी ब्लूम कर रहा है। और ये पिंक कलर का भी खिला है, उधर देखिए एक ऑरेंज कलर का खिलने को तैयार है फ्रेंड्स। और ये देखिए अभी मैं इनको वाटरिंग करूँगी। ये देखिए हमारा डार्क पिंक कलर, प्याजी कलर, पर्पल कलर का एक फ्लावर खिलने वाला है हिबिस्किस का। और ये देखिए फ्रेंड हमारा स्लीपिंग हिबिस्किस यानी मिर्ची गुड़हल कितने अच्छे से ब्लूम दे रहा है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छे से इसमें बर्ड्स है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। ये प्लांट जो है ज़्यादा पुराना नहीं है मगर फिर भी इसमें आप बर्ड्स देख सकते हैं फ्रेंड। और इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड, ये बहुत अच्छे से खिलता है फ्रेंड। ये देखिए इसमें मिली बग्स लग रहे हैं, मैं इसको भी रिमूव करती हूँ वाटर से। और वाटर का प्रेशर आप कस के डालेंगे फ्रेंड तो वो निकल जाएगा फ्रेंड। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है तो प्लीज़ फ्रेंड सॉरी। और मेरी तबीयत, मैंने बताया ना कि दो तीन दिन से मैं वीडियो बनाया नहीं डाल पा रही हूँ, ना आपके कमेंट ठीक से देख पा रही हूँ फ्रेंड, तो सॉरी फ्रेंड इसके लिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आइए मैं और दिखाती हूँ आपके को अपने गार्डन में क्या क्या खिला हुआ है। ये देखिए फ्रेंड जेट्रोपा कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड। और इसमें कोई दिन ऐसा नहीं होता कि इसमें बर्ड्स ना हो, देख सकते हैं आप डेली ये फ्लावरिंग करता है और बहुत ही अच्छे से कर रहा है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स मेरे टमाटर में फ्लावर आने वाला है और देखिए ये येलो हो गया है, बहुत जल्द इसमें फ्लावर आ जाएंगे। इधर भी मेरे फ्लावर खिले हैं बिस्किस के फ्रेंड, वो देखिए, और उधर भी है। तो फ्रेंड अभी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और मैं आपको अपना रोज़ दिखा देती हूँ जो आज खिला है फ्रेंड, कितना प्यारा है। ये देसी है, देखिए कितने अच्छे से इसमें कली आ रही है। और उधर वो रेड कलर का, सब में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और ये हमारा यूफोर्बिया मिली। तो फ्रेंड देखिए मैं काफ़ी दिन से डेडेडिंग भी नहीं कर पाई हूँ अपने प्लांट्स की। विंटर प्लांट्स को डेडेडिंग बहुत ज़रूरत होती है। और ये देखिए ये अच्छे से खिल के मुरझा भी गया। ये हमारा जेरेनियम बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड। इसके प्लांट से बहुत अच्छी हल्की सी भीनी पेपरमेंट जैसी स्मेल आती है फ्रेंड्स। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। मेरे पास दो कलर है, एक ये कलर है और एक ये कलर है। इसकी मिट्टी सॉफ्ट और वेल्ड्रेन बनाई है फ्रेंड। और ये आपका पेरेनियल प्लांट है, अगर आप बचा सकते हैं इसको तो आप बचा लीजिएगा फ्रेंड, और ये आपके घर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा फ्रेंड्स। तो मैं आपसे कहने वाली हूँ कि ये बिगोनिया जो है ये भी हमारा प्लांट बच जाता है, और ये डायंथस भी हमारा सालों साल आपके गार्डन में चल सकता है अगर आपने थोड़ी सी इसके साथ मेहनत की। और ये जरबेरा तो फ्रेंड्स तो आपके गार्डन में ये बने रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स जेरेनियम बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसको ज़रूर लगाइए फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने किसी नए टॉपिक पे नए प्लांट के साथ। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।